मुंडका से आम आदमी पार्टी के विधायक धर्मपाल लाखड़ा के समर्थन में आयोजित रोड शो में पंजाब से आपके सांसद भगवत मान ने शिरकत की है। मुंडका से आपके उम्मीदवार धर्मपाल लाखड़ा ने रोड शो के जरिए क्षेत्र के मतदाताओं से आशीर्वाद हासिल करने का प्रयास किया। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब से सांसद अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और आज बाहरी दिल्ली के मुंडका में चुनावी रोड शो के दौरान भी उनका यही अंदाज देखने को मिला। भगवंत मान का कहना है कि बीजेपी वाले चाहे अमेरिका से ट्रंप को बुला लें, लेकिन दिल्ली में जीत नहीं सकते। भगवंत मान की आने की खबर जब लोगों को मिली तो मुंडका विधानसभा के चंद्रविहार में भगवंत मान को देखने और रोड शो में शामिल होने के लिए लोगों का जमावड़ा सा लग गया और देखते ही देखते पूरा रोड आम आदमी पार्टी के समर्थकों से भर गया। भगवंत मान भी लोगों का जोश और संख्या देखकर गाड़ी पर चढ़ गए और वहीं से लोगों को संबोधित करने लगे। इस बार दिल्ली के लोग पॉजिटिव वोटिंग कर रहे हैं। पहले वोटिंग होती थी किसी को हराने के लिए, अब वोटिंग होगी किसी को जिताने के लिए। और बीजेपी वोट मांग रही है मोदी के नाम पर, आम आदमी पार्टी वोट मांग रही है अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया के काम पर। लोगों को काम चाहिए, नाम से क्या लेना देना। वो जहर उगल रहे हैं, वो आतंकवादी बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, वो गोली मारने के नारे लगवा रहे हैं। क्या ये मुद्दे होते हैं? जब भी कोई चुनाव आता है ये बीजेपी वाले पाकिस्तान की मंडियों के भाव को हमें क्यों बताने लगते हैं? भाई पाकिस्तान में टमाटर 150 रुपए किलो हो गया, हमने क्या लेना देना भाई। भगवंत मान यही नहीं रुके, उन्होंने नया नारा भी दिया। मोदी सरकार के मुकाबले में उनका नारा है अब की बार बीजेपी तड़ी पार। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बार 70 और 0 का स्कोर आने वाली 11 तारीख को देखने को मिलेगा। खास तौर पर मुंडका विधानसभा में आम आदमी पार्टी की जीत को सुनिश्चित बताया। इस बार दिल्ली में बीजेपी ने ये नारा क्यों नहीं दिया कि अब की बार कितनी पार, क्योंकि अब की बार तड़ी पार, जो हमेशा है ना तड़ी पार है, वो हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटेगा। 90% कुर्बानियां पंजाबियों की हैं देश को आजाद करवाने में। ये कहां थे आजादी के समय? ऐसे लगता है जैसे इन दोनों ने आजाद करवाया हो देश। ये डिक्टेटरशिप करते हैं, इनके अहंकार को 8 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर दिल्ली की जनता तोड़ेगी। पिछले साल 5 स्टेट हारे हैं, नए साल का गिफ्ट दिल्ली वाले दे रहे हैं बीजेपी को इनको पूरी तरह हराकर, इसीलिए मोदी जी ने अपनी फोटो प्रचार में से निकाल ली है। मुंडका विधानसभा से उम्मीदवार हैं धर्मपाल लाखड़ा, जिनकी सीधी टक्कर साहिब सिंह वर्मा के भाई और भाजपा प्रत्याशी मास्टर आजाद से है। चुनावी प्रचार में पहले ही समर्थकों की भीड़ और संख्या जुटा चुके आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी धर्मपाल लाखड़ा का दावा है कि वो कम से कम 60,000 वोटों के अंतराल से विजयी होंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस जीत के कोई मायने नहीं। ये भरोसा धर्मपाल लाखड़ा को आज हुए रोड शो में उनके समर्थकों की संख्या देखकर ही आया, क्योंकि शुरुआती दौर से ही धर्मपाल लाखड़ा के साथ जिस तरीके से समर्थक जुट रहे हैं उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुझे यहाँ भेजा है ना, वो इसी भरोसे के साथ भेजा है कि पूरी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जीत ये लेकर आएगा। सबसे बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं? बिल्कुल। कितना मार्जिन लेके चल रहे हैं? कम से कम 60,000 का, मिनिमम कम से कम ज्यादा 1,00,000 का लेके ऊपर, तो जितना ऊपर वाला देगा वो होगा। बाकी 60,000 से कम में मैं अपनी जीत नहीं समझूंगा, मैं 60,000 का कम से कम मानता हूँ। नामांकन रोड शो का जो हुजूम है, जो भीड़ है, जो समर्थन है, 11 तारीख की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? 11 तारीख की तस्वीर के बारे में बता चुका हूँ पहले ही कि 60,000 के मार्जिन से कम अगर मैं जीतूंगा तो मैं अपनी जीत नहीं समझूंगा। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया है ना, वो पूरा सोच समझ के लिया है। दो चीजें देखी है, काम को गति देना, काम को गति दूंगा। मैं कुछ भी नहीं था, जब भी समाज के काम करता रहा हूँ पिछले 30 साल से, अपने घर से। अब सुन लो मेरी बात, जो ये लोग कहते हैं मेरे को 62 साल की उम्र में अरविंद जी ने जो इस मैदान में उतारा है, मेरे को वो आदेश दे के उतारा है, तो मैं उसके उस भरोसे को और बढ़ाऊंगा, टूटने नहीं दूंगा। धर्मपाल लाखड़ा के शो में जितनी भीड़ उमड़ रही है उसे देखकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां से प्रचंड जीत की उम्मीद कर रहे हैं।
अब ये बात कितनी खरी साबित होगी ये तो आने वाले 11 तारीख के नतीजे ही तय करेंगे। दिल्ली से टोटल न्यूज़ के लिए हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।